Hello everyone, this is Karan and I welcome all of you to my YouTube channel. Today we have with us a very special guest. Today we have with us Harsh Jaiswal, जिन्होंने नीट 2022 में 617 मार्क्स स्कोर किया है. आज हम हर्ष से जान रहे होंगे कि उन्होंने कैसे स्कोर किया, उनकी नीट की जर्नी क्या थी और नीट 2023 के लिए वो क्या टिप्स आपको देना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हर्ष, आपने टाइम निकाला, आप हमारे चैनल पर आए. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके हर्ष, आप हमारे चैनल पे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में. आई एम हर्ष जायसवाल और मैंने अपनी जो 10th और 12th है वो आईसीएसई बोर्ड से किया था और 11th 12th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी फाउंडेशन वाली नीट के लिए और उसके बाद उस बार थोड़े से नंबर कम रहने की वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा और इस बार ड्रॉप में मेरे 617 मार्क्स आ रहे हैं। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड. तो मैं कोचिंग वाले पॉइंट से उठाऊंगा हर्ष, कि आपका इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग एकदम ही रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, और मतलब इस पे आपका क्या व्यू रहेगा. कोचिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऐसी कोचिंग लेनी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपको बहुत महंगी कोचिंग लेनी है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए। पहले कोचिंग थोड़े दिन पहले तक जब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था तो ऑफलाइन कोचिंग हम लोगों के लिए मस्ट हो गई थी। अब तो कोचिंग बहुत सस्ती हो गई है तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कोचिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब वो आप चाहे यूट्यूब से करिए या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, पेड हो या फिर फ्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकेंडली मैं क्या बोलूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसिकली आपको ना आपका काम कम कर देती है, कि आपको ये नहीं देखना कि आपको कहाँ से क्या चीजें पढ़ना है, वो आपको सब पढ़ाएंगे और एक पर्टिकुलर स्केड्यूल में पढ़ाएंगे. वरना ऐसे तो फिर आलस आ जाता है कि कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे. और टेस्ट सीरीज जी का मेन ये बहुत इंपॉर्टेंस होता होता है। है, कोचिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंस मेरे अकॉर्डिंग तो टेस्ट सीरीज होती है. टेस्ट लास्ट ईयर जब मैं 11th 12th में था तो मेरे पास दिन भर में टाइम ही नहीं बचता था कुछ भी करने के लिए क्योंकि कोचिंग का इतना प्रेशर रहता था। ड्रॉप ईयर में मैं खुद से भी पढ़ता था लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता था कि आलस आ जा रहा है तो, लेकिन मैं उसको ओवरकम कर लेता था। लेकिन ये एक दिक्कत रहती है अगर कोचिंग से इन्वायरमेंट ना है तुम्हारा, मतलब तो दिक्कत हो जाएगी ये। एग्जैक्टली, इसीलिए मतलब बोला जाता है कि हाँ कोचिंग रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करने चाहिए. ओके मैं जी जी अगर एक केस आपको दूं हर्ष, जैसे कि मान लीजिए अभी नीट 2023 को रहते हैं अराउंड 7 मंथ्स रहते हैं, 7 to 8 मंथ्स अराउंड रहते हैं. मैं अगर मान के चलूँ कि पेपर होगा अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में, तो मैं 7-8 मंथ मान के चल रहा हूँ. तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो किस तरीके से प्रोसीड करे. अगर उसने अपना 11th या 12th कर रखा है और वो ड्रॉप ईयर में है, उसने इस बार पेपर दिया था तो उसको पैटर्न का पता होगा। तो ड्रॉप ईयर में बच्चे को कुछ नहीं करना, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स वीक है, अगर 550 मार्क्स से कम है तो मतलब कि 500 से कम है मार्क्स तो मतलब कि कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट्स वीक है, और अगर इससे ज्यादा है तो एक चीज ध्यान रखनी है कि फुल मॉक टेस्ट हर 15 दिन पे अभी से देना स्टार्ट कर दें। अगर फुल मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट करेंगे तो एंड तक ऐसा होता है कि फुल मॉक की एक फ्रिक्वेंसी मेंटेन रहती है और उससे बाद में दिक्कत नहीं होती है। और अभी से अगर उसको तैयारी करनी है जिसके 500 से नंबर कम है तो उसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना रहेगा। कोई भी अगर ऑनलाइन कोचिंग उसको सूटेबल है, ऑफलाइन कोचिंग सूटेबल है, उसको ले ले और उससे अपनी पूरी प्रिपरेशन करे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, पार्ट टेस्ट दे, उसके बाद मॉक टेस्ट फुल वाले जो फेब्रवरी तक स्टार्ट होते हैं, फेब्रवरी मार्च में, वहां से फुल मॉक टेस्ट में धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ाए और मई में फिर पेपर तो इस बार होगा ही। और अगर कोई 12th में है अभी तो अगर कोई 12th में है तो अगर उसने 11th अच्छे से कर रखी है, दो चीजें होती हैं 11th 12th के बच्चे कहते हैं कि 11th वीक है या फिर 11th बिल्कुल नहीं हुई। अगर क्योंकि वीक है क्योंकि क्योंकि तो फिर भी एक बार 11th में तो सब मस्ती कर रहे होते हैं, बस वोट देने के बाद 11th नहीं पढ़ना, 12th में आके जी बोलते हैं 11th बर्बाद हो गया क्या करे. 11th बर्बाद वाली सिचुएशन बहुत ही खराब होती है क्योंकि उसमें 12th का समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन अगर 11th आपने बर्बाद नहीं किया है, पढ़ा है या मतलब समझ में नहीं आया या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो 12th समझिए, पहले अच्छे से 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके 12th को जल्दी करने के बाद आप 11th का मेन फोकस कर सकते हैं या फिर आप बीच बीच में जो टॉपिक, जो चैप्टर जिस चीज से भी रिलेटेड है उसको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप मतलब बेसिकली आपके बोर्ड्स होते हैं फेब के आसपास, तो उससे पहले तक आप चाहें तो 11th कवर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में पूरा फोकस आप 12th पे डाल सकते हैं, ताकि आपका बोर्ड भी उस हिसाब से अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि उस जी टाइम पे बोर्ड भी आ रहा मतलब होगा. ये है कि आप ऐसा मत करिएगा कि 11th के चक्कर में आप 12th को ही भूल गए, बोर्ड से पहले आप हाँ सिर्फ 11th ही करते रह गए, एग्जैक्टली ये नहीं तो फिर आपका बोर्ड पूरा खराब हो जाएगा। तो
वो भी दिक्कत रहेगी आपके लिए। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताएंगे नीट के प्रिपरेशन के दौरान, क्या रहते हैं, किस चीजों पर ध्यान रहना चाहिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अगर मैं सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि अभी तक नीट का जो पैटर्न रहता था वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन लास्ट 2 साल में मैं देख रहा हूँ, जैसा कि जब से एनटीए पेपर कराने लगा है वो ट्विस्टिंग करने लगा है क्वेश्चंस की। लास्ट ईयर जब 2021 का पेपर हुआ था तो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर उस किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो नहीं अप्रोच कर पाएगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। फिजिक्स में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से पूरा डिट्टो पेपर आया था, उसी से मैच करता हुआ, लेकिन तब भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट मेरे 68 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर फिजिक्स में, और इस बार मेरे फिजिक्स में 160 मार्क्स आए हैं। तो मुझे लगता है बहुत कि ये मतलब बहुत ही अच्छा बहुत इम्प्रूवमेंट था जरूरी। ये। और लास्ट ऐसे ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लास्ट ईयर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसे कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे, असर्शन रीजन नहीं थे, लेकिन इस बार खूब सारे असर्शन रीजन, जितने जैसे एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे, इनफैक्ट एम्स में भी कम असर्शन रीजन होते थे, और अब तो बहुत ज्यादा नीट वाले में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन आए हैं। तो आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है, एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर वही क्वेश्चन चीज प्रैक्टिस ये नहीं प्रूफ कर किया, रहा है पेपर कि रटने से कुछ नहीं होना, अगर कोई बच्चा होता है ना रट के चले जाते, नहीं इस बार इन्होंने असर्शन रीजन में घुमाया है। ऐसे ये हर बार का हो गया है कि अगर बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तब भी उसके नंबर नहीं आते हैं, मतलब अगर वो सेलेक्ट तो नहीं हो पाता है अगर सिर्फ पढ़ के गया क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट नहीं दिए उसके, तो ये तो एक बहुत ज्यादा सच बात है। तो फिर आप कोई अलग से बुक्स भी लगानी चाहिए आप, अगर आप रिकमेंडेशंस दे पाए कोई बुक के, अगर आपने कोई लगाई होगी मैंने आप तो। एक्चुअली मैं बुक ली थी कई सारी, मैंने डीसी पांडे मंगा ली थी, और मैंने फिजिक्स गैलेक्सी की मॉड्यूल्स मंगा ली थी, और मैंने केमिस्ट्री में तीन वो जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहती हैं, मतलब MS चौहान की एम एस ऑर्गेनिक चौहान, में, वीके फिजिकल, जायसवाल वीके एंड एन अवस्थी की। जायसवाल और एन अवस्थी, ये सब मैंने मंगा ली थी, लेकिन मैंने कोई भी बुक नहीं की। दैट वॉज द ओके ट्विस्ट। मैं करने लगा क्योंकि ये हाँ 7 महीने बचे हैं, तो इस समय हाँ पे अगर आप ऐसी कोई भी बुक अप्रोच करेंगे तो आपके लिए दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशंस वीडियो फॉर्म में नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फॉर्म है। तो अगर रिटर्न फॉर्म में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपको नहीं समझ में आएगा कोई डाउट, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कहाँ, फिर आप फोन में जाएंगे तो फिर वो दिक्कत होगी। मैंने एक्चुअली में क्वेश्चन बैंक ले रखी थी एक कोचिंग की, तो उसमें वो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक थी, उसमें ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन सारे कवर्ड थे, तो उससे मैंने कम से कम 26,000 क्वेश्चन तक लगाए थे इस बार। और लास्ट ईयर मैंने आकाश की मॉड्यूल सॉल्व की थी 11th 12th में, तो तब बेसिकली आप ये तो कहना मैंने चाहेंगे कि मॉड्यूल इस टाइम पे बुक लगाने बैठेंगे तो दिक्कत है। हाँ बुक वैसे भी लगाने लगा, अगर बैठेंगे बुक तो दिक्कत लगानी थी है। तो पहले लगानी थी 2 साल के अंदर। जी, अगर बुक लगानी थी तो 11th 12th वाला बच्चा लगा सकता है, और अभी भी अगर बुक कोई ऐसी लीजिएगा जो कि कॉम्पैक्ट हो, अगर आपको लग रहा है कि बुक से ही करना है, ऑनलाइन नहीं करना है, तो हाँ और मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा कि जबरदस्ती बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके लेवल का पेपर का लेवल हो उसके अकॉर्डिंग लगाइए, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड भी मेंटेन कर पाएंगे। और केमिस्ट्री के लिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब मार लो, मैं डेफिनेटली अभी कंटेंट लाना स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री के लिए। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ हर्ष, कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी, मतलब प्रिपरेशन, ऐसा तो होगा नहीं कि परफेक्टली पूरे साल सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं परफेक्ट चला हूँ। मेरा तो आज तक कभी का परफेक्ट का रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं 11th में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सुबह स्कूल होता था और फिर शाम को कोचिंग, पूरा 8 बजे जाते थे, रात में आके रिवाइज करने का दो एक दो घंटे का मैं पढ़ लेता था, उसमें बस रिवाइज कर पाता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। तो सबसे पहली बड़ी गलती तो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को कभी मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि तो 11th मेरा ऐसे ही बर्बाद हुआ, और उसमें मेरे जब मॉक टेस्ट होते थे पार्ट टेस्ट, तो मेरे नंबर आते थे 400, मतलब 720 में 400 नंबर पार्ट टेस्ट में आ रहे होते थे, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, क्योंकि 10th तक सब लोग बहुत ही बड़े टॉपर हो जाते हैं, लेकिन 11th में आके बहुत इतना बड़ा डाउनफॉल देखने के बाद आदमी का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मेरे पूरे 11th में यही हुआ मेरे साथ। तो जब 12th हुआ, कोविड आया, तो कोविड का मैंने पूरा एडवांटेज लिया था, और कोविड के ही टाइम पे मैंने अपने मार्क्स को बूस्ट किया था, धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, फिर मेरे मार्क्स बढ़ने लगे। तो उसके बाद मैंने टेस्ट को भी एक ऐसे लिया, मैंने 11th में मैं टेस्ट देने जाता था तो मैं सोचता था क्यों हुआ है ये टेस्ट, लेकिन 12th में मुझे लगा कि हाँ टेस्ट देना चाहिए, तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंप्रूव करने लगे। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, जब कोविड 2000 मतलब
स्टार्ट हुआ 2021, तो पेपर से 2-3 महीने पहले, फरवरी की बात थी, तो फरवरी में मैंने फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे क्योंकि मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, मेरे लिटरली नंबर 200 आए थे, 200 पहले मॉक टेस्ट में। तो अब यहाँ पे दो मैं सौ एक चीज कहना मार्क्स से चाहूंगा, जहाँ पे ये प्रूव होता है कि हर वो इंसान जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा होता है एंड में, उसके भी एक टाइम पे मॉक टेस्ट में कम आ रहे होते हैं, उसके भी एक टाइम पे कम आते हैं। यहाँ और हमारे 200 सामने लाइव मार्क्स प्रूफ है। मतलब, हाँ ओके कंटिन्यू कंटिन्यू 200 मार्क्स मतलब कि ऐसी चीज है कि 200 मार्क्स के बाद किसी का भी कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि यार ये क्या है, इससे ज्यादा मैं क्या ही करूंगा अब। तो उस समय मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन मुझे रिवाइज नहीं है, तो मुझे फॉर्मूला शीट्स बनाने की जरूरत है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ फॉर्मूला मुझे ही नहीं याद आ रहे हैं। तो दूसरी चीज ये है कि फॉर्मूला शीट्स अपना, जब भी चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उसकी एक फॉर्मूला शीट, एक A4 शीट लीजिए और उस चैप्टर को उसमें समराइज करिए, ऐसा फॉर्मूला शीट जो आप आखिरी टाइम पे अपना रिवाइज कर सकें, मॉक टेस्ट से पहले उसको रिवाइज कर सकें। खासकर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी इस शॉर्ट नोट्स टाइप के बनते हैं जो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, और धीरे धीरे बनते रहने चाहिए, एक दो बार की रीडिंग के बाद ये बना लेने चाहिए कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर जब शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए धीरे धीरे, तो मेरा, मैं हर 7 दिन पे फिर मॉक टेस्ट देने लगा था। पहले मैं 15 दिन पे देता था, फिर मैंने 7 दिन पे स्टार्ट किया था फुल मॉक टेस्ट अपना, तो मेरे धीरे धीरे 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, ऐसे करते करते मेरा मतलब धीरे धीरे 400 पहुंचा। 400 पहुंचने के बाद मुझे लगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा दी थी, मैंने 2 मॉक टेस्ट कर दिए थे, लेकिन 2 से मुझे लगा कि नंबर फिर से कम हो गए, 350 हो गए फिर से, तो मुझे लगा कि 2 नहीं देने हैं, अभी अभी कॉन्सेप्ट पे जोर डालना है कि हाँ जो मुझे नहीं आ रहे हैं टॉपिक्स उन पे फोकस करना है। तो फिर मैंने फिर से वीकली टेस्ट दिया, और थोड़े दिन बाद जब मेरे 500 आ गए, तो थोड़े दिन बाद एक फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें पार्ट टेस्ट एक लाइन से लिए गए थे, तो उसमें फिर मैंने अपनी पूरी मेहनत की, और एंड तक जब मॉक आने वाला था तो मेरे मार्क्स आ रहे थे, 599 आए थे, लेकिन 600 नहीं आया था, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था उस टाइम पे। मेरे कभी भी मार्क्स 600 नहीं आते थे, मेरे 599 हाईएस्ट स्कोर था, और मेरे घर में सब लोग इंतजार करते थे कि क्या इस बार इस मॉक टेस्ट में इसके 600 से ऊपर आएंगे, और हम लोग बहुत ही ईगरली देख रहे होते थे कि हाँ आएंगे आएंगे, और जब आता था रिजल्ट तो मेरा हाईएस्ट मार्क्स जाता था 599, 600 कभी हुआ ही नहीं उस 12th के साथ उसके, तब फिर, और आखिरी जब प्री नीट हुआ था एक टेस्ट, तो हमारे यहाँ उस 562 मेरे मार्क्स आए थे उस दिन, और वही नीट 2021 में मेरे साथ हो गया, जिस दिन मैं पेपर दे के आया मेरे एग्जैक्टली सेम मार्क्स आ गए 562। फिर उसके बाद मैंने अपने ड्रॉप ईयर को कंटिन्यू, जब ड्रॉप ईयर में आया मैं, तो फिर मैंने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तब भी मेरे नंबर ऐसे ही रह रहे थे, 590, 580, कभी पढ़ते नहीं थे, पार्ट टेस्ट दो चाहे फुल टेस्ट दो चाहे जितना पढ़ लो, तो अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका था कि इस बार भी नहीं होगा क्या, लेकिन फिर अपने आप को बढ़ाता गया, मैं कोशिश करता गया, मैंने मतलब नेवर गिव अप वाला स्पिरिट रखा था, बहुत दुख होता था, रोना आता था दिन रात, तो अगर ऐसा कभी फेस हो कि डिप्रेस हो रहे हो या फिर परेशान हो रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं, सब होते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है एक दूसरे को जब तक कुछ हो ना जाए। और आखिरी में एंड में मेरे मार्क्स जब 1 महीना बचे थे, तब मेरे मार्क्स, मेरे जितने भी मॉक टेस्ट थे उसमें 600+ आने लगे थे, 610, 605, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे, 633 तक गया, फिर एक मॉक टेस्ट में मेरा 640 आया था, दैट वाज माय हाईएस्ट। और यहाँ पे जब मेरा नीट का पेपर हुआ, तो मेरे एक्चुअली में नंबर ज्यादा ही आते, लेकिन वहां पे मैं ज्यादा खुश हो गया, और मैंने 20 मिनट पहले पेपर कर दिया, और मैं 20 मिनट टीचर से बात कर रहा था वहां पे ज्यादा खुश होके, तो इस वजह से मेरी सिली मिस्टेक्स वहां पे बहुत ज्यादा हो गई, और मेरे कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, फिजिक्स में मेरे 4 क्वेश्चंस इसी वजह से गलत हो गए। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और मतलब अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि मेनली तो नीट का ही मार्क्स डिपेंड करता है। ये बहुत सही चीज बोली आपने आखिरी में, ना ओवर कॉन्फिडेंट ना अंडर कॉन्फिडेंट। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा हर्ष आपसे, कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो सिलेबस, जिसका सिलेबस भी बाकी है, तो उसको सिलेबस भी पूरा करना है, उसको पुराना रिवाइज भी करना है, और उसको टेस्ट भी देना है, तो वो तीनों चीजें साथ में कैसे मैनेज करे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिलेबस कंप्लीट करना तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन हाँ ये है कि सिलेबस को कंप्लीट जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे उसको रिवाइज भी करते जाओ। मान लीजिए अगर आपने अभी स्टार्ट किया, तो अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स, फिजिक्स के 4 चैप्टर करते हैं, तो अगले महीने जाने से पहले आप इनको एक बार रिवाइज करिए, और इससे पहले एक मॉक टेस्ट दे दीजिए पार्ट वाला,
ताकि जब तक आपका एंड होगा सिलेबस का, तब तक ऐसा नहीं कि आप सब कुछ भूल चुके हो। बीच बीच में भी रिवाइज करते रहिए और इनकी फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए, ताकि एंड में जब फुल मॉक टेस्ट देना होगा, नंबर कम आएंगे लेकिन एक बार रिवाइज करने पे सब याद आ जाए, ऐसा होना चाहिए। ओके तो ये आपने बहुत अच्छी टिप दी। तो मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोई फाइनल टिप्स आप देना चाहें या कुछ भी अपने मन से आप बोलना चाहें नीट एस्पिरेंट्स के लिए। नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो मेरे लिए बस एक ही चीज है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें, और एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी को के अंदर जाने की बहुत जरूरत है। एनसीईआरटी की हर लाइन को फोकस करना है, और उसे हर लाइन से क्वेश्चंस अगर आपने फ्रेम कर लिए, या फिर जहां भी फ्रेम है उसे कर लिए, बायोलॉजी में खासकर अब तो बहुत ज्यादा ये है कि आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, इन सब की प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए। मैथ्स एट, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एकदम एनसीईआरटी के अंदर अंदर से पूछे जा रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, फिजिकल में भी एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करें फुल्ली। और हाँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी भी मत भूलना बिल्कुल भी, एनसीआरटी तो मतलब भूलना ही नहीं है, एनसीआरटी भगवान बिल्कुल है, नहीं। एनसीआरटी ही भगवान जी है। तो जी बस, तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने बहुत अपनी वैल्यूएबल एडवाइसेस शेयर करी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बस आप इंडिया के थैंक यू बहुत सर, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है आपकी तरह। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट नीट 2023 एस्पिरेंट्स। ओके, थैंक यू।